आज दिनांक 6/7/2020 क्लास 11 विषय बायोलॉजी, टॉपिक है जगत प्रोटिस्टा, इंग्लिश में भी प्रोटिस्टा कहते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो मींस फर्स्ट और किस्टोड का मतलब होता है टेस्ट एंड आवरण। इस संघ के अंतर्गत वही जंतु आते हैं जगत के अंतर्गत जो जिनका संपूर्ण शरीर नंग अथवा एक सिंगल आवरण द्वारा कवर्ड होता है। संघ जगत प्रोटिस्टा शब्द को सबसे पहले 1866 में EHA के नाम वैज्ञानिक ने दिया था और इस संघ के अंतर्गत जंतु, पादप, सुकोषी तथा परकोषी दोनों प्रकार के जीव आते हैं और खासतौर से एक कोष किए और आध जंतु आते हैं। ये जगत जगत मोनेला से कुछ ज्यादा विकसित होता है। इस वर्ग को वर्गीकरण का कुंगलदान भी कहते हैं क्योंकि इसमें जंतु पादप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एकल तथा समूहबद्ध सभी प्रकार के प्राणी आते हैं, इसलिए इसको वर्गीकरण का कुंगलदान भी माना जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है इन पर ध्यान देंगे। पहली विशेषता है प्रमुख लक्षण पहचान क्या है इसकी, सभी जीव नम या जलीय स्थानों पर मिलते हैं। दूसरी विशेष बात है सभी जीव एकल या समूहबद्ध पाए जाते हैं, सिंगल होंगे या कॉलोनियल समूह में मिलते हैं। तीसरी बात इनमें वास्तविक केंद्रक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और चौथी बात है इनमें जल नियमन के लिए संकुचनशील धानी जिसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्वेक्शन कहते हैं पाई जाती है। और पांचवी बात है इसमें कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका जैसे माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, हर कलवक, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। इनमें अगली बात है छठी, इनमें गति हेतु विशेष कोशिका जैसे सीलिया, फ्लैजुला अथवा सुपरसीलिया पाए जाते हैं, ये रचनाएं गति में सहायक होती है। और सातवीं बात है अधिकांशतः ये इनमें अलैंगिक जनन द्वारा जनन करते हैं। और अंतिम बात यह है ये प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं, जंतु संभोजी भी हो सकते हैं, मृतोपजीवी प्रकार के भी होते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। उदाहरण के तौर पर हमने बताई दिया अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना। इसमें हमने यूग्लिना का थोड़ा सा चित्र भी बनाकर दिखाया है। इसमें ये मान लीजिए पेलिकन है और अंदर संचर सिद्ध हनी को दिखाया गया है और ये लंबा सा गिरा होता है और ये लगभग पोलिकल से रचना होती है। तो ये लीना है, इसे इसमें जो भोजन होता है पादप संपर्क भोजी टाइप का होता है यानी प्रकाश संपर्क द्वारा अपना भोजन करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पर धन्यवाद।